हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वॉर एक ऐसी फिल्म जिसका हर किसी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है, और भाई हो भी क्यों ना। इस फिल्म के जरिए पहली बार जो हमें गुरु चेले यानी ऋतिक और टाइगर की जोड़ी नजर आने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे देखकर ऑडियंस दीवानी हो गई थी। क्या एक्शन, क्या जबरदस्त स्टंट्स, और वाह, टाइगर और ऋतिक की जोड़ी तो माशाल्लाह। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ये तो यकीन हो गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल करेगी। लेकिन आज आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में हम उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो वॉर के लिए बन सकती है मुसीबत। नंबर 1, सायरा नरसिम्हा रेड्डी। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की कमबैक फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी को देखने के लिए भी लोग काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में आया था तो हर कोई देखता ही रह गया। आपको बता दें, ये फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। उन्होंने कैसे भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था, इस पर ही पूरी कहानी है। इस फिल्म में चिरंजीवी के अलावा सुदीप, अमिताभ बच्चन, नयनतारा, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शेट्टी, जगपति बाबू जैसे स्टार्स नजर आएंगे। इस फिल्म का बजट 200 से 270 करोड़ बताया जा रहा है, और फिल्म को प्रोड्यूस एक्टर रामचरण ने किया है और डायरेक्ट सुरेंद्र रेड्डी ने। आपको बता दें, ये फिल्म 2 अक्टूबर को ही रिलीज होगी। इसे तेलुगू, तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। नंबर 2, जोकर। ये फिल्म भी वॉर की कर सकती है छुट्टी। जी हाँ, वॉकिन फिनिक्स, ऑस्कर विनर रॉबर्ट डी नीरो, सैजी बीट्स की फिल्म जोकर जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। ट्रेलर को मिले धांसू रिस्पॉन्स ने ये साबित कर दिया है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका जरूर करेगी। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड फिल्म है जो डीसी कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर और बैटमैन फिल्म के विलन जोकर पर बेस्ड है। फिल्म की कहानी गौथम शहर में रहने वाले आर्थर फ्लैक की है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, लेकिन जब उसे इससे सफलता नहीं मिलती और जब लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं तो वो अपराध की दुनिया में चला जाता है। बता दें, ये फिल्म 4 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसका असर कहीं ना कहीं वॉर पर पड़ सकता है। नंबर 3, असुरन। असुरन एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे वेट्टिमारन ने डायरेक्ट किया है और कैलिलिपू एस थानू ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में धनुष और मंजू वॉरियर नजर आएंगे। ये फिल्म 2 अक्टूबर को ही रिलीज होगी। ऐसे में साउथ के सुपरस्टार धनुष का स्टारडम हो सकता है वॉर पर भारी पड़ जाए। नंबर 4, वेंकी मामा। ये भी एक तेलुगु ड्रामा फिल्म है जिसे डी सुरेश बाबू ने प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट के एस रविंद्र ने। फिल्म में वेंकटेश, नागा चैतन्य, राशि खन्ना, पायल राजपूत जैसे स्टार्स नजर आएंगे। ये फिल्म 2 अक्टूबर को तेलुगु भाषा में रिलीज होगी और ये फिल्म वॉर की कमाई को नुकसान पहुंचा सकती है। वेल, अब ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इन फिल्मों की वजह से वॉर पर कोई असर पड़ेगा या नहीं।